जीआरपी थाना पुलिस ने शनिवार को दिल्ली सरायरोला बांद्रा ट्रेन में चेकिंग के दौरान दो युवकों को 3 किलो सोने की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों ने खुद को मुंबई की ज्वेलर्स फर्म का कर्मचारी बताते हुए जेवरात दिल्ली में ज्वेलर्स फर्म को सप्लाई करना बताया। जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपियों द्वारा कोई साक्ष्य बिल या कागजात पेश नहीं करने पर धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था, जिन्हें रविवार को एडीएम सिटी के समक्ष पेश कर 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं ज्वेलरी को धारा 102 के तहत जब्त कर लिया गया। सोने की शुद्धता की जांच में मिलावट पाई गई। जेवरातों में 50% सोना है तो 50% अन्य धातु की मिलावट है। ट्रेन आती है सरायरोला से बांद्रा गरीब रथ, उसमें अपने स्पेशल गश्त लगा रखी थी। जो आजकल नई थ्रेट वगैरह चल रही है स्पेशल निर्देशन से, तफ्तीश वगैरह तलाश के लिए कुछ जाब्ता लगा रखा था। उन्हें इतला दी कि भाई G12 में दो लड़के हैं जिनके पास ज्वेलरी काफ़ी तादाद। मैंने जाके वहाँ चेक किया तो उनके पास करीब 3 किलो ज्वेलरी मिली है, जिसके पास कोई लाइसेंस परमिट कोई बिल वगैरह कुछ नहीं था। सब संदेहजनक पाए जाने पर उसको 102 जब्त कर ली है। और ज्वेलरी में थे नेकलेस थे, अंगूठियाँ थी, कानों के टॉप्स वगैरह थे, ब्रेसलेट थे, सारे सोने के हैं। उसका टंच करवाया तो वो 58% ही है सोना उसमें। करीब होगा 90 लाख के आसपास का। आज क्या करने जा रहे हैं? उन दोनों को अरेस्ट किया, उनको तो आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं।